हाय स्टूडेंट्स, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें कॉम्बिनेशन बताना है किसका। हमें बताना है रेसिस्टेंस, इसके बारे में बताना है, ठीक है, और इंडक्टेंस के बारे में बताना है, और फिर कैपेसिटेंस के बारे में बताना है कि क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि हमारा जो है वो बेटर ट्यूनिंग के तौर पे हम यूज कर सकते हैं एलसीआर सर्किट को फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर हमें बेटर कम्युनिकेशन के पर्पज से यूज करना है तो हमारा क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो टर्म हमारा हाई होना चाहिए। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1/r√L/c। ठीक है, तो हमें क्वालिटी फैक्टर क्या चाहिए? क्वालिटी फैक्टर को हमें हाई करना पड़ेगा, शुड बी हाई। तो ये देखो हाई कैसे हो सकता है? ये हाई तभी हो सकता है जब हमारा ये आर छोटा हो, आर शुड बी लेस, और एल हमारा हाई होना चाहिए, एल शुड बी हाई, और जो सी है हमारा कैपेसिटेंस जो है वो हमारा लो होना चाहिए क्योंकि वो हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक है, तो सी क्या होना चाहिए? सी शुड बी लो, सी शुड बी लो। तो ऐसे ऑप्शंस को हम चुनेंगे जिसमें आर हमारा लेस है, एल हमारा हाई है और सी हमारा लो है। तो ऐसे ऑप्शन हमारा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें चार ऑप्शंस में से, तो ऑप्शन सी जो है हमारा उसमें आर की वैल्यू सबसे कम दी हुई है, फिर एल की वैल्यू सी ऑप्शन में ही एल की वैल्यू भी मैक्सिमम है सारे ऑप्शंस में से, और सी की भी वैल्यू हमारे पास सबसे कम, हमारी सी की वैल्यू सी ऑप्शन में ही है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है? इसमें देखो आर की वैल्यू है हमारे पास 15 ओम, ठीक है, और इंडक्टेंस की वैल्यू है हमारे पास 3.5 हेनरी, ठीक है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास है 30 माइक्रो फेरेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कॉम्बिनेशन हमारा बेस्ट हो जाएगा फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या होगा? क्वालिटी फैक्टर हमारा सबसे हाई आएगा बाकी ऑप्शंस को अगर कंपेयर करें तो। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।